फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, मटर पनीर, जो खाने में काफी टेस्टी और हेल्दी है। इन्हें बनाना बहुत ही इजीली है और मैं चलती हूँ इस रेसिपी को बनाने की तरफ। हमने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के चम्मच से हमने डालेंगे तेल, और इसकी हम बनाते हैं पहले प्यूरी। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो जाए। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हमने काटे हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, रफली इसको चॉप किए हैं। इसको हम इसमें फ्राई करेंगे और इनको हम थोड़ा भूनेंगे। इसको 1 मिनट के लिए हमने भून लिया है। अब इसमें हमने डाले हैं 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 पिंच हमने काट लिए हैं अदरक, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हमने ले लिया है 3 हरी मिर्च, इसको कट कर लिए हैं। अब इसमें डाल लिया 1 मीडियम साइज का टमाटर, जिसे हमने रफली चॉप कर लिए हैं। ये हम बनाएंगे बिल्कुल बेसिक मसालों से और बहुत ही टेस्टी बन के फ्रेंड्स तैयार होंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच नमक, और ये अच्छे से टमाटर को सॉफ्ट कर देगा। और इनको हम कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसकी हम बना लेंगे प्यूरी। फ्रेंड्स, इसको हम कच्चा भी भून के बना सकते थे, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके मटर पनीर बहुत ही टेस्टी बनती है। गैस को ऑफ कर दूंगी। हमने प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट का अच्छा खास प्यूरी बना लिया दम बारी, और कढ़ाई को हमने गर्म कर रहे हैं। अब इसमें बनाएंगे इसकी ग्रेवी। सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं, आप अपने मन पसंद किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम 1.5 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा। जीरा अच्छे से सटक जाए तब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने प्यूरी बनाई है, वो मिक्स कर देंगे इसमें। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 2 कप पानी डाले हैं और सारे मसालों को इसमें ऐड करते रहे हैं, और इसको हम भूनेंगे जब तक इसके तेल सेपरेट ना हो जाए। फ्रेंड्स, 4 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून रहे हैं और थोड़े थोड़े तेल भी रिलीज कर रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, और 2 पिंच हम डालेंगे इसमें हल्दी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ। और इसमें हम डाल देंगे मटर। मटर हमारे सॉफ्ट होते रहे, ये फ्रेश मटर है। ये हमने 2 कप मटर लिए हैं, इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि इसके मसालों के साथ हमारे मटर भी सॉफ्ट होते रहें। और इनको हम कवर कर देते हैं जब तक कि इसमें से अच्छे से ऑयल रिलीज न करने लगे। यह मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स बना रहे हैं। फ्रेंड, 4 मिनट हो गए, हम देख लेते हैं अब ये तेल अच्छे से रिलीज कर रही हैं। अब इनको हम एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे पनीर। ये 250 ग्राम पनीर है, जिसको हम क्यूब शेप में कट कर लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सारे मसालों को अच्छे से कोट कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए कितना ये आपका टेस्टी लग रहा है मटर पनीर।
अब इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी लगाएंगे। हमने डालते हैं 2 कप पानी, इसको हम राइस के साथ खाएंगे। और हमारे मसाले भी जो हैं अच्छे से पक जाएं। फ्रेंड्स, इसमें पानी डाल दिया, 1 मिनट के लिए बॉयल हो गया। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच डालते हैं गरम मसाला। बिल्कुल हम बेसिक मसालों से ही बना रहे हैं, इसमें कोई सा हम अलग सा मसाला इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। और ये बिल्कुल देसी स्टाइल हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। 4 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे। अब इसमें हम डाल ले कुछ फ्रेश धनिया। फ्रेंड्स, 4 मिनट हो गए हैं, अब देख लेते हैं हमारी मटर पनीर की सब्जी बन के तैयार हो गई है बिल्कुल। अब मैं गैस को करती हूँ ऑफ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम सर्विस बाउल में डालते हैं। फ्रेंड्स, मेरा आपको मटर पनीर की सब्जी कैसी लगी? इसे हम बिल्कुल बेसिक मसालों से बनाए हैं और देसी स्टाइल में, इसका अपना ही एक स्वाद होता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस सब्जी को आप पूरी, पराठा, नान या राइस के साथ खाए, बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, अगर मेरा बनाने का तरीका आपको पसंद आया है, फ्रेंड्स ये बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर करें। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।